नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल ब्रह्म प्रवक्ता हनुमान मंसर में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम क्रम में देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारा जो पाठ एक है कवि आचार्य केशवदास जी उनके रामचंद्रिका महाकाव्य से जो हमारे पद हैं उनकी व्याख्या हमने की। अब हम इनके प्रश्नोत्तर देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। इस प्रश्न को हम विगत वीडियो से देख रहे हैं। केशव हृदयहीन कवि थे, कथन की समीक्षा कीजिए, अथवा केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न इस प्रकार से भी आता है, या फिर ये प्रश्न ऐसा भी आते हैं अथवा हमें इस प्रकार से पूछा जाता है, केशव को हृदयहीन कहना उनके साथ अन्याय करना है। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में तर्क सहित अपने मत को प्रकट कीजिए। तो ये जो प्रश्न है, कहने का तात्पर्य मूल है कि केशवदास जी की हृदयहीनता और केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत जो कहा जाता है, इसके उत्तर में हमने विगत वीडियो में भूमिका के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो पहला बिंदु है इतिवृत्तात्मकता तथा वर्णनात्मकता, दूसरा जो बिंदु है रस एवं भावों का उद्रेक करने की शिथिलता। तो एक बिंदु हमने पढ़ लिया है, अब हम आज इनकी दूसरी बिंदु को पढ़ते हैं। केशवदास जी की हृदयहीनता और कठिन काव्य का प्रेत के संबंध में क्या तर्क है, क्या मत है? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, रस एवं भावोद्रेक में शिथिलता। रस एवं भावों का उद्रेक करने की शिथिलता का मतलब क्या होता है? उद्रेक का मतलब क्या होता है? रस उद्रेक का मतलब होता है रसोद्रेक जिसको कहा जाता है, यानी रस निष्पत्ति जिसको हम कह सकते हैं, या फिर जिसको हम कहते हैं आनंद की प्राप्ति। रस के बाद आनंद की जो प्राप्ति होती है, कोई भी काव्य हम पढ़ते हैं तो उनमें हमें रस निष्पत्ति का जो भाव होना आवश्यक है, तभी वो काव्य सार्थक होता है। तो यहाँ पर रस एवं भावों का उद्रेक करने की शिथिलता रही है। भाव भी भावातिरिक वो बहुत ही कम है केशवदास जी के इन काव्य में, और ख़ास तौर से रामचंद्रिका काव्य में। तो केशवदास जी ने रस और भाव को जागृत करके रस दशा तक पहुँचाने का प्रयत्न अवश्य किया है। हालांकि केशवदास जी ने अपनी रचनाओं में रस और भाव, ठीक है, काव्य जब पढ़ते हैं तो रस की उत्पत्ति होती है, और काव्य को पढ़ते तो भाव भी आपकी भावों की उत्पत्ति है वो होती है। तो रस और जो भाव है उनको जागृत करके रस दशा तक पहुंचाने का प्रयास इन्होंने किया है, किंतु वे एक हृदयहीन कवि के समान रस और भाव को पूर्ण रस और भाव को पूरी तरह से रसोद्रेक या फिर भावोद्रेक तक नहीं पहुंचा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि प्यारे विद्यार्थियों, हालांकि कवि केशवदास जी ने रस और भाव को जागृत करके रस को उस रस दशा की तरफ बढ़ाने का प्रयास उन्होंने जरूर किया है, लेकिन वे पूरी तरह से काव्य में रसोद्रेक या भावोद्रेक को पूर्ण रूप से करने में समर्थ नहीं हो सके, या वहाँ तक वो पहुँचा नहीं सके। यानी रस की पूरी तरह से निष्पत्ति, भावों की भावों का जो अतिरेक है या भावों की निष्पत्ति, वो करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके। इस तरह से सिद्ध होता है कि वे एक हृदयहीन कवि हैं। रस के परिपाक होने से पहले ही उसे वे छोड़ देते हैं, यानी अपने काव्य में रस का ठीक प्रकार से परिपाक होने पर, यानी पूर्णता को प्राप्त करने से पहले ही वे रस दशा को छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है उनके काव्य में जो रस के उत्पन्न रस का जो उत्पन्न होती है, रस जो है काव्य पढ़ने से हमारी आनंद की जो अनुभूति है उसको रस कहा जाता है। रस का अर्थ क्या है? जो काव्य पढ़ करके आनंद की तृप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो वे इनके जो काव्य हैं प्यारे विद्यार्थियों, वे रस का पूरी तरह से परिपाक नहीं कर पाते, इससे पहले वो रस दशा को छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हमें केवल रस का आभास मात्र होता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि रस की शिथिलता उसमें आ जाती है।
तो रस की शिथिलता है या फिर रस का जो आभास है वो मात्र रह जाता है। तो इस प्रकार का भाव होने से हम कह सकते हैं कि केशवदास जी एक हृदयहीन कवि थे। एक इसमें बताया, जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि जैसे उगता हुआ जो सूर्य है वो सभी कवियों को काव्य लिखने की प्रेरणा देता है, यानी अधिकतर कवियों ने उगते हुए सूर्य यानी अरुण रंग के सूर्य को देख करके कविता लिखी है। तो उगते हुए सूर्य को आनंद का प्रतीक माना जाता है, आशा का संचार करने का प्रतीक माना जाता है, उत्साह का प्रतीक माना जाता है। तो उसको लेकर के कवि है वो सूर्य की जो है जो सूर्य का जो प्राकृतिक वर्णन है वो जरूर करते हैं, और ऐसा कई कवियों ने किया है। चिरंतर काल से हम चला आ रहा है काव्य की सृजना के लिए सूर्योदय बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहा है, उन पर सूर्योदय पर कई लोग कवियों ने कविता लिखी है। और कविगण भावुक होकर उसके सौंदर्य में डूब जाता है, जब ऐसे सौंदर्य सूर्योदय का सौंदर्य का वर्णन किया जाता है तो कवि भी जो पाठक वर्ग होता है जो लोग कविगण है स्वयं ही भावुक होकर के उसके सौंदर्य में डूब जाते हैं। किंतु केशवदास जी तो इनकी इस प्रकार की जो कवित्व की जो भावना है या फिर इन कवियों की तरह भावुकता या सहृदयता उनको छू भी नहीं पाई। केशवदास जी के हृदय में सूर्योदय के लेकर के किसी भी प्रकार के मन के भाव या फिर भावुकता या फिर सहृदयता उनको छू नहीं पाई, इसीलिए उन्होंने उगते हुए सूर्य को कापालिक कि रक्त भरा खप्पर दिखाई देता है, इस प्रकार से वो सूर्य की उपमा देते हैं कि एक सूर्य है वो लाल रंग का उदय होता हुआ सूर्य उनको कापालिक यानी जो तांत्रिक होते हैं कपाल क्रिया इत्यादि करते हैं तांत्रिक लोग, तो वो जो खप्पर में भोजन इत्यादि करते हैं खप्पर में वो जो भी अपनी पूजा सामग्री रखते होंगे तो कापालिक का रक्त भरा खप्पर उनको दिखाई देता है, जिससे श्रृंगार और सौंदर्य के स्थान पर विभत्स और भय का माहौल पैदा हो जाता है या भय का भाव लगता है। जो सूर्य उदय का जो वर्णन है कवि लोग है वो बड़े आनंद के साथ श्रृंगार के साथ या फिर सौंदर्य के प्रतिभूति के रूप में सूर्य का प्रयोग करते हैं, लेकिन केशवदास जी इस उगते हुए सूर्य को क्या उपमा देते हैं, कापालिक की जो रक्त भरा खप्पर। तो ये जो सूर्य की इस तरह से उपमा देने के कारण है कापालिक का रक्त भरा खप्पर, अगर इसको हम इस प्रकार का भाव सूर्योदय के लिए कवि दे रहा है केशवदास जी दे रहे हैं तो इससे जो श्रृंगार या फिर सौंदर्य की जो अनुभूति होने वाली होती है उसकी जगह विभत्स या फिर भय का जो भाव है वो पैदा होता है, क्योंकि ये शब्द भी इसी प्रकार से काम में लिए हैं, उनसे देख करके ऐसा लगता है कि सूर्योदय है वो खप्पर जो भी रक्त से भरा हुआ खप्पर है उसके तरह लग रहा है। तो ये उपमा देने के कारण हम कह सकते हैं कि कवि में भाव सुन्नेता है या फिर इस प्रकार का भाव जो होना चाहिए आम कवियों के मन में जिस प्रकार से सूर्योदय के लेकर के प्रकृति का चित्रण करने में जो भाव होता है सौंदर्य का वो नहीं लग रहा है। जैसे वो लिखते हैं कि के सोणित कलित कपाल है ये कपाल ये है किल का पाल ये काल को कापालिक काल को ये ललित लाल केंधो ये ललित लाल केंधो लसे दिग भामिनी के भाल को
तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये सूर्योदय का केशवदास जी चित्रण कर रहे हैं और उसमें सूर्य को कपाल की तरह कपाली की तरह बताया गया है कि केशोणित कलित कपाल है ये, यानी सूर्य है उगता हुआ जो सूर्य है वो शोणित मन खून से भरा हुआ कपाल जैसे खून से भरा हुआ हो इस प्रकार से लग रहा है। किल कपाली काल को यानी कपाली जो तंत्र इत्यादि क्रिया करते हैं उनकी तरह वो लग रहा है, उनकी जो कपाली क्रियाओं में जैसे कोई ये उनको अभिमंत्रित किए कर रहा है किलित कर रहा है। ये ललित लाल केंधो लसे, ये ललित लाल, ये जो ललित मन सुंदर है और लाल का अर्थ यहाँ पर नायक के प्रिय के लिया है, केंदो लसे मन शोभित हो रहा है दिग भामिनी के बाल को, अर्थात दिशाओं रूपी नायिका या स्त्री के मस्तक पर बिंदी के समान है वो सुशोभित हो रहा है इस प्रकार से। अगली पंक्ति में तो अर्थ ठीक दिया लेकिन इसको पहली वाली पंक्ति में सूर्योदय को उन्होंने कापालिक क्रिया के समान बता करके हृदयहीनता का जो परिचय एक तरह से दे दिया है, भावुकता शून्यता या फिर सहृदय शून्यता हम कह सकते हैं इसमें, तो ये वर्णन किया है। तो रस एवं भावोद्रेक की शिथिलता केशवदास जी के काव्य में देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कवि केशवदास जी हृदयहीन या कठिन काव्य के प्रेत हम मान सकते हैं। अगली विशेषता यहाँ तक समझ में आ गई प्यारे विद्यार्थियों आपको, एक विशेषता देखिए मार्मिक स्थलों की पहचान का अभाव। मार्मिक स्थलों की पहचान का अभाव यानी केशवदास जी को ये अपने काव्य में जहाँ मार्मिक स्थल आ रहे हैं कथा में रामचंद्रिका में तो वो वहाँ उनको वो जो भाव होना चाहिए मार्मिक स्थल का मार्मिक जो भाव है वो प्रकट नहीं कर पाते, उनकी पहचान नहीं है, यानी केशव को एक तरह से हम कह सकते हैं कवि हृदय नहीं मिला था। जैसे कवियों ने कथा प्रबंध जो प्रबंध काव्य लिखे हैं उनमें जगह जगह मार्मिक जहाँ पर स्थल आते हैं जहाँ पर ऐसा भाव हो करुणा का भाव हो दया का भाव हो जैसे एक तरह से मर्म का भाव होता हो ममता का भाव होता हो ये जो पहचानने की भाव दृष्टि कवियों में होती है, परंतु कवि इसका उपयोग करके काव्य को और कवि लोग हैं जहाँ जहाँ कई कवियों को ऐसे भाव कथा में यानी जो कथा प्रबंध काव्य है या प्रबंध कथा है उसमें मार्मिक स्थलों को पहचान करने की उनमें सूझबूझ होती है या फिर भावपूर्ण दृष्टि होती है जिससे जिसका वो कवि है उपयोग करके काव्य को क्या बना देते हैं भावपूर्ण कर देते हैं। जैसे हम नाटक इत्यादि देखते हैं तो उनमें कई जगह प्रसंग है वो हास्य के भी आते हैं कई जगह श्रृंगार के भी आते हैं कई जगह मार्मिकता के भी आते हैं, जैसे कोई किसी का पुत्र मर गया अब वो विलाप कर रही है तो ऐसा भाव जो होता है वो हम कह सकते हैं मार्मिक प्रसंग होता है। तो अब उसमें ऐसे प्रसंग होते हैं तो किंतु केशवदास जी ने प्रबंध काव्य में ये समझ उनको हम कह सकते हैं कि उनकी नहीं रही केशवदास जी में के अंदर है वो या केशवदास जी के प्रबंध रचना में ये समझ नहीं रही कि इतनी बड़ी जो राम कथा है उस राम कथा में कुछ संवेदनशील अति संवेदनशील प्रसंग भी उनको छांट करके उनको उसी के अनुसार अभिव्यक्ति दे ऐसा उनमें हृदय नहीं था या कि इस प्रकार की संवेदना वो प्रकट नहीं कर सके। तो रामकथा में कुछ अति संवेदनशील प्रसंगों को वो पहचान नहीं सके, रामकथा के मार्मिक स्थलों की ओर केशवदास जी का बहुत ही कम ध्यान गया क्योंकि रामचंद्रिका काव्य में अगर कई जगह अब जैसे राम जी को वनवास का जो प्रसंग है वो मार्मिक है, भरत का चित्रकूट की सभा में जाना वहाँ रोना राम जी को पुनः वो लाने के लिए इस तरह से जो भावुकता का प्रसंग हम देख सकते हैं चित्रकूट में, या फिर हम कह सकते हैं कि राम सीता का जो अपहरण हो जाता है रावण ले जाता है तो वहाँ का उस समय राम किस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, इधर सीता वहाँ लंका में एक तरह से वियोग वेदना को सहन कर रही है तो ये मार्मिक प्रसंग है, या फिर लक्ष्मण का मूर्छित होना युद्ध में उस समय राम किस प्रकार से वियोग विलाप कर रहे हैं, या दशरथ जी की मृत्यु का जो समय है उस समय कितना विलाप है, तो वो ऐसे प्रसंग है जो घटना में राम कथा में हम देख सकते हैं। तो ये संवेदनशील मार्मिक जो प्रसंग है वो राम कथा के मार्मिक स्थलों की ओर केशवदास जी का ध्यान बहुत कम गया।
ऐसे स्थलों को या तो उन्होंने छोड़ दिया या फिर इतिवृत्त कहकर के छोटी सी घटना बता करके आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार से ऐसे स्थलों को या तो उन्होंने छोड़ दिया या यूं ही इतिवृत्त कहकर के आगे बढ़ गए। वन मार्ग में जाते हुए राम को देख करके ग्रामवासियों में अगर तुलसीदास जी की बात करें, केशवदास जी के साथ अगर, तो तुलसीदास जी के जो राम है या उन्होंने जो रामचरितमानस लिखी है तो उसमें राम को देख करके उनको दिखाया गया है कि राम को देखकर ग्रामवासी है वो कोमल संवेदना की सृष्टि करते हैं, कोमल संवेदना पूर्वक उनको पूछते हैं। मार्मिक कवि दृष्टि का तुलसीदास जी ने परिचय दिया है, भावुकता का परिचय दिया है। कैसे किया है देखो कि कवितावली में ये बात लिखी है प्यारे विद्यार्थियों, कवितावली में तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण सीता के सौंदर्य और उनकी सुकुमारिता को मुग्ध होकर के क्या कहते हैं कि ग्रामवासी ऐसा मन में शंका करते हैं जब वनवासी होते हैं राम लक्ष्मण सीता उस समय किसी गांव से वो जा रहे होते हैं तो ग्रामवासी ऐसी शंका करते हैं। कवितावली में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति ये बचुरे कैसे प्रियतम लोग जियो है और आंखिन में सकी राखी बेजोग इन्हें किमी के वनवास दियो है। देखिए कि ऐसी मनोहर मूर्ति है तुलसीदास जी कवितावली में कहते हैं, ऐसी मनोहर मूर्ति ग्रामवासी प्यारे विद्यार्थियों शंका कर रहे हैं किसे देख करके, राम लक्ष्मण सीता को वनवासी देख करके कि राजकुमार जो इतने सुकोमल है वो कैसे वनों में भटकने के लिए आ गए हैं। तो ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जिए हैं। और ऐसे थोड़े थोड़े पद आपको परीक्षा में लिखने हैं प्यारे विद्यार्थियों तो ही नंबर बनेंगे अच्छे। आंखी ने में सकी राखी बेजोग, और इन्हें किमी के वनवास दियो है, तो ये जो प्रसंग मैंने बताया है आप तुलसीदास जी की कवितावली में आया है तो तुलसीदास जी ऐसी भावुकता से ये जो प्रसंग बड़ा मार्मिक है तो इस प्रसंग को कितनी बड़ी भावुकता के साथ है वो ग्रामवासी कह रहे हैं राम लक्ष्मण सीता के वनवासी होने पर कि ऐसी मनोहर मूर्ति ये कि राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति है, उनकी जो सूरत है वो बड़ी मनोहर है, मन को हरने वाली है। ये बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जिए हैं, ग्रामवासी चिंता कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं कि इनके बिछुड़ने से इनके प्रियजन लोग हैं, प्रियतम लोग यानी प्रियजन है, इनके जो परिवार वाले जो लोग हैं वो कैसे जिए हैं, किस प्रकार से जीवित रह गए हैं, यानी इनको इस प्रकार से वनवास दे करके वे लोग कैसे जीवित रह रहे हैं या रहे हैं कि ऐसी सुंदर मनोहर मूर्ति है, इनके वियोग होने से ये इनके प्रियजन कैसे जिए हैं। आखिर में सखी राखी वे लोग, कोई सखी कोई स्त्री दूसरी स्त्री से, ग्रामवासी जो स्त्री है वो एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही है कि आखिर में सखी ये सखी इन ऐसी छवि को तो ऐसे राम लक्ष्मण सीता जो सुकुमार है सुकोमल है इनको तो आँखियों में रखने के योग्य है, ये तो आँखों में रखने योग्य है, फिर इन्हें किमी के वनवास दियो है, फिर इनको किमी मैंने क्यों वनवास दिया गया है, कैसे वनवास मिल गया इनको, ऐसे सुकोमल लोग प्रियजन राम लक्ष्मण सीता जैसी सुंदर मूर्ति है उनको कैसे वनवास दे दिया। लेकिन केशव ये तो तुलसीदास जी की तुलना यहाँ पर हो रही है, कैसे तुलसीदास जी की तो भावुकता मार्मिक स्थलों पर दिखाई दे रही है लेकिन केशव ने सीता राम और लक्ष्मण को वन में देख करके केवल उनका परिचय मात्र ही दिया है।
यही नहीं, ग्रामवासियों को तो वे ठग और चोर दिखाई देते हैं। केशवदास जी ने जो वर्णन किया है उसमें राम लक्ष्मण सीता के वनवासी होने पर ग्रामवासी क्या कर रहे हैं, वनवासी ये शंका करें कि ठग और चोर हैं, ये उपमित किया गया है। तो यहाँ पर ये केशवदास जी ने राम लक्ष्मण को वनवासियों के द्वारा ठग और चोर बताए जाने से सिद्ध होता है कि केशवदास जी हृदयहीन थे। ग्रामवासी पूछते हैं कि तुम एक ही गाँव के रहने वाले लोग हो, ये शंका करते हैं कि क्या तुम एक ही गाँव के रहने वाले लोग हो या फिर संयोग से मार्ग में मिल गए हो, या फिर किन दो मुनि साप हत, किन दो ब्रह्म दो सरत, क्यों किन दो कौन ठग हो। ग्रामवासी केशवदास जी कविता में कहते हैं कि क्या तो तुम कोई मुनि के श्रापवश यहाँ आए हो, किन दो ब्रह्म दो सरत, या किसी ब्राह्मण के या ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए यहाँ आए हो, किन दो कौन ठग हो, या फिर कोई तुम ठग हो। तो यहाँ पर राम को ठग बता दिया, चोर बता दिया, कौन, केशवदास जी ने। आश्चर्य कि तुलसीदास जी को तो वो मनोहर मूर्ति लग रही है, राम और लक्ष्मण की वनवासी छवि मनोहर मूर्ति लग रही है ग्रामवासियों को, लेकिन केशवदास जी को अपनी रामचंद्रिका में उनको ठग दिखा दिया तो ठग नजर आ रहे हैं। ऐसी हृदयहीनता पर निश्चय ही हम कह सकते हैं कि अन्य कवि लोगों ने या फिर साक्षात सरस्वती भी सिर पीट कर रह गई होगी। ग्रामवासी लक्ष्मण से पूछते हैं कि किन दो कौं ठगो सो ठगोरी, यहाँ लिख रहा हूँ, किन दो कौं ठग हो ठगोरी, ठगोरी लीन हो किन दो, किन दो तुम हर हरि श्री हो, शिवा सो सिवा चाहत पीरत हो, ये जो पंक्तियां हैं वो केशवदास जी की हैं रामचंद्रिका में, और ये जो पंक्तियां हैं वो तुलसीदास जी की हैं। यह कहाँ गया, यहाँ ये पंक्ति भाव एक है, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी को राम लक्ष्मण सीता जो वनवासी है उनको ग्रामवासियों को मनोहर मूर्ति दिखती है, लेकिन यहाँ केशवदास जी ने राम और सीता को लक्ष्मण को ठग के समान बता दिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किन दो को ठग हो ठगोरी हो, तो इस प्रकार से ठग ठगोरी बता दिया। इस संबंध में तुलसीदास जी की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की टिप्पणी हम कह सकते हैं कि ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति पाकर के सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है, उसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच में रह करके केशव के लिए कठिन था। तो ये आचार्य शुक्ल जी ने इनके बारे में लिखा है, टिप्पणी की है कि ऐसा अलौकिक सौंदर्य, यानी राम लक्ष्मण सीता का जो सौंदर्य है, ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पा करके सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है, इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि में देखने वाले नित्य कुशल दरबारियों के बीच में रह करके केशवदास जी के लिए कठिन था, क्योंकि केशवदास जी दरबारी कवि थे, इसीलिए उनको वो हृदय शायद नहीं मिला कि जो रामचंद्रिका में राम के प्रसंग को, जो मार्मिक प्रसंग है, उसको वो ठीक प्रकार से नहीं देख सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि ये दोनों आपको अर्थ बिंदु और विशेषताएँ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये दोनों विशेषता आप ठीक प्रकार से पढ़ें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही।
अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। आगे के जो पद है इनको यहाँ प्रकृति चित्रण को पांडित्य प्रदर्शन अलंकार मोह इत्यादि को पढ़ना है, समझाने में थोड़ा समय लग गया है, तो आज हम इन्हीं विशेषताओं को आप ठीक प्रकार से पढ़े समझे और इस प्रश्न को तैयार करेंगे ठीक प्रकार से, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसमें बीच बीच में आपको यह पंक्तियाँ जरूर लिखनी है, ऐसे प्रश्नों में ये लिखोगे तो ही नंबर है वो जो है परीक्षक है वो आपको अच्छे अंक देंगे। सीधे सीधे लिख करके आ गए तो नंबर नहीं मिलेंगे ज़्यादा, इसलिए आपको ठीक प्रकार से ये बीच में आपको इस प्रसंग से संबंधित है वो ये पंक्तियाँ लिखनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे और आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।